हेलो व्हाट्सअप गाइस मै मिस विनोदा एंड दिस वीडियो विल सी फाइनल चेंजेस इन आवर मंथ सीरीज जी हाँ गाइस तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो ऑसम मंथ सीरीज है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है एंड आप एक चीज बहुत क्लियरली देख सकते हो एंड दैट इज अगर मैं आपको दिखाऊं ओवर हियर तो इसको मैं ऑलरेडी लाइव होस्ट कर चुका हूँ फ्री में एस सर्टिफिकेट भी एड कर चुका हूँ तो अगर आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप हमने जो अभी तक हमारा मंथ सीरीज में बनाया था कंप्लीट विथ एडमिन पैनल वो सब कुछ गाइस आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो बेसिकली चेकआउट कर सकते हो एंड जब मैं इसको लाइव होस्ट कर रहा था गाइस उस समय मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता चली कि हमें इसको इस तरीके से करना चाहिए था ताकि हमारे लिए वो और बेटर हो जाए ताकि हम इसको ईजिली होस्ट कर सके तो वो जो फाइनल चेंजेस है आज मैं आज, आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ so, सो गाइस बिना किसी तेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ कर दीजिएगा बहुत जल्द वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स आने वाला है एंड सबसे पहला नंबर वन एरर जो आई थिंक जिसके चलते बहुतों तो को एक मेजर प्रॉब्लम आ रही होगी एंड स्पेशली जब हम होस्ट करते उसके बाद आ, आती एंड दैट इज गाइस जब हमने ये हमारा थर्टी फोर्थ नंबर पे क्रिएटिंग अ डायनेमिक कार्ड्स बाय फैचिंग बैकंड सर्विसेज डेटा विथ रिएक्ट तो बेसिकली इसमें हो ये रहा था कि हमारा ये जो सर्विसेज वाला जो पेज है हमने यू you नो know, अब कैसे ऑलरेडी हमने ए तो सेट कर लिया था बैक एंड रूट कंप्लीटेड था फ्रंट एंड में हम कैसे डेटा को गेट कर सकते हैं और कार्ड्स के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं क्योंकि ये तो एक ए था मैंने एक भी कुछ कोड नहीं लिखा यहाँ पर आपको अगर मैं दिखाऊँ सो दिस इज आवर सर्विस ऑल राइट मैं आपको बताता हूँ सर्विस वाला पेज सो हेर इज अ सर्विस पेज अगर आप देखोगे सो so, कुछ भी नहीं है मैंने एक गाइस मैप मेथड के अंदर एक बस एक डीप बनाया बेसिकली एक कार्ड बनाया एंड ये ऑटोमेटिक सब अपने आप आता जा रहा है तो कल के दिन मैं एपीआई में एक और डेटा इंक्लूड करूंगा तो वो एक और नया कार्ड मेरे को बन के मिल जाएगा बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई हमसे ठीक है एंड दैट प्रॉब्लम इज आप खुद देख सकते हो यहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं एंड मैंने फिलहाल इसको अपडेट कर दिया है एंड जिन जिन ने मुझे यहाँ पे कमेंट किया था मैंने उन सबको भी मैंने कहा इस यहाँ पे आ, मैंने पूरी कोशिश की कि इस मैं यहाँ पे वो करके बता दू ठीक है जैसे मैप इज नॉट अ फंक्शन टाइप एरर यहाँ पे एक बताया फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैसे कि डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में होगा ना ए से जब आएगा तो बट इन रियलिटी वो हमें स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं वो एरे के फॉर्मेट में हमें मिल रहा था समझ रहे हो तो मैंने इस वीडियो में बस एक गलती ये कर दी थी एंड डैट इज मैं आपको बताता हूँ देखो और पे अगर मैं चलता हूँ सो दिस इज आवर सर्विसेज वाला रूट हाँ दिस इज़ आवर गेट सर्विसेस वाला रूट एंड जब भी मुझे इस डेटा के चलते जो डेटा मुझे मिल रहा था सर्विसेज वाला तो मैं क्या कर रहा था मैं उसको सेट सर्विसेस वाला जो हमारा अपडेटेड वेरिय फंक्शन है उस पर मैंने उसको ऐड कर दी डेटा तो ये जो मेरा सेट सर्विसेज है अगर आप ध्यान से देखोगे सो इसमें वी हैव वन बेसिकली स्टेट वेरिएबल डैट इज योर सर्विसेज उस समय पता मैंने क्या की थी यहां पे मैंने इस तरीके से रख के छोड़ दिया तो इसके चलते बहुतों तो को प्रॉब्लम आ रही थी सो so, कैसे आपको ये जो एम स्ट्रिंग के बदले आपको एक एम टी एरे पास कर देना है यहाँ पे क्योंकि डेटा हमें एरे के फॉर्मेट में मिल रहा था अगर डेटा ना भी आ रहा तो एक हमा, हमारे पास एक एम टी एरे तो रहेगा एटलीस्ट जिसके चलते मैप फंक्शन को फिर प्रॉब्लम नहीं होगा सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन लाइन ऑफ कोड आपको वो एरर आ रहा था तो सबसे नंबर वन जस्ट इसको आप ठीक कर लीजिए एंड डोंट वरी सोर्स कोड तो मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ एंड हाँ सोर्स कोड से याद आया आप देख सकते हो कि गाइस ये जो मैंने बेसिकली क्रिएट की है ठीक है यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे आ रहा है एंड गाइस वो हम बहुत जल्द टैकल करने वाले तो जिसके चलते मैं और एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर पा रहा क्योंकि अगर आप देखते हो गाइस ऑलरेडी ये मोर देन 34 फोर वीडियोज मैं अपलोड कर चुका हूँ बाकी मेरे यहाँ पे कोर्सेज भी है तो समझ लो लाइक इस पर जो मेमोरी का लोड बहुत ही ज़्यादा जा रहा है बट हम किसी तरीके से इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करें तो सोर्स कोड बहुत जल्द आ जाएगा एंड कल या परसों के दिन मैं गाइस इसको कैसे लाइव होस्ट करना है फ्री में एंड पेड आपको दोनों बताऊंगा ठीक है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है तो आई होप गाइस नंबर वन आपको पता चल गया जस्ट ये जो हमारा थर्टी वीडियो में था इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिकली स्ट्रिंग आपको एक एरे पास करना है एज एन एम टी एर एल आर गाइज तो नंबर टू मैं अब आपको नंबर टू वाला प्रॉब्लम बताता हूँ आप देख सकते हो कि इसको मैं ऑलरेडी होस्ट कर चुका हूँ ठीक है आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो किसको ऑलरेडी मैं होस्ट कर चुका हूँ इट मींस ये लाइव हो चुका है एंड जब हम लाइव करने जा रहे थे तब मैंने नोटिस की हमने मिस्टेक में नहीं बोलूँगा बट एक आप कह सकते हो ना एक रूल है डेट इज़ डू नॉट रिपीट योर सेल्फ वो हम फॉलो नहीं कर रहे गाइस तो उसमें एक मेजर प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ क्या ध्यान से देखना सो गाइस इफ़ यू रिमेंबर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे लेट्स गो विथ ऑथ ठीक है पहले हमारा जो ये लोकल uh, होस्ट था वो कुछ ये था हमें इस रूट पर विजिट करना था राइट आपको मालूम है सो so, कोई भी रूट हो तो वो ए पी आई फॉरवर्ड स्लैश ऑथ फॉरवर्ड स्लैश लॉग इन या जो भी इस तरीके से होता था बट ये हमारा बैक एंड जो है वो इस पर रन कर रहा है राइट right? ये आपको मालूम है अगर मैं चलता हूँ हमारे बेसिकली सर्वर डॉट जी एस फाइल पर सो आप देख सकते हो कि हमारा ये रूट है डिफरेंट डिफरेंट रूट एंड हमारा लोकल होस्ट फाइव थाउजेंड पर सर्वर रन कर रहा है जो कि एकदम करेक्ट है लेकिन जब हम इसको होस्ट करेंगे ऑब्वियसली वहाँ तो लोकल होस्ट फाइव थाउजेंड नहीं होगा राइट right? तो वहाँ पे जो भी तो बेसिकली वहाँ पे भी हमें एक यूर तो बनाना पड़ेगा लोकल होस्ट के लिए बट वो फाइव थाउजेंड नहीं होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ नेटवर्क जब मैं इस पर रिक्वेस्ट हिट कर रहा हूँ तो सर्विस के पेज के लिए मुझे जो रिक्वेस्ट आता है वो कहाँ से आता है वो आता है मुझे इस वाले डोमेन से जो कि मैंने ये डोमेन को बाई की है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि रियल वर्ल्ड में हम कैसे होस्ट कर सकते हैं तो ये डोमेन मैंने बाय कर ली ठीक है एंड ये बेसिकली मेरा फ्रंट एंड हो गया बट वॉट अबाउट आवर बैक एंड तो यहां पे देखो वी हैव दिस यूजर वाला पार्ट एंड यहां पे अगर आप देखते हो तो ध्यान से देखिए यहां पे वही डोमेन है बट मैंने उसके आगे एपीआई ए पी आई डॉट करके ऐड कर दी ये जो एपीआई डॉट एंड देन डोमेन का नाम कभी भी आए ना या एक्स वाई जी डॉट फिट डोमेन तो समझ जाना कि वो आपका एक सब डोमेन है एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज सब डोमेन ये वाले वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो लिटरली आप कितने भी सब डोमेन बना के के पे अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते के साथ कर सकते सकते हो हो क्लाइंट साथ शेयर ठीक है तो वो जो सब डोमेन में हम हमारा बैक एंड को होस्ट करेंगे एंड एक्चुअल डोमेन में हम हमारे फ्रंट एंड को होस्ट करेंगे तो अब जो पहले मेरा बैक एंड जो यू नो you know, बैक एंड के लिए मुझे इस वाले रूट को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था अब मुझे इस वाले रूट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लाइफ में इसको होस्ट करने जाएंगे मतलब रियल में होस्ट करने जाएंगे तब ये जितना भी ये आपको यू दिखाई दे रहा है इस ये पार्ट को छोड़ के इसको तो उसको अब मुझे इससे करना पड़ेगा रिप्लेस कोई बात नहीं बहुत इजीली हम रिप्लेस कर देंगे नो प्रॉब्लम बट प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम ये है कि आप कितने जगहों की I आई mean, मीन कितने जगहों पे आप इसको रिप्लेस करने वाले हो ध्यान से देखना जब हम लॉगिन रूट पर जाते हैं वी हैव बाई यू आर एल एंड फ़िलहाल तो मैं ऑलरेडी इसको सेट कर दिया हूँ मैंने ऑलरेडी क्या किया यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ा था फिर वी हैव आवर रजिस्टर वी हैव आवर रजिस्टर का पेज यहाँ पे हमें उसको चेंज करना पड़ा सबसे ज़्यादा दिमाग तो तब खराब होता है जब हम ऑथ पे चलते हैं एंड सिर्फ इतने ही नहीं ना जाने हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया है मुझे हर जगह जाके लिटरली आप समझ रहे हो क्या करना पड़ा जहाँ जहाँ ये यूज किया था मैंने वहां वहां जाके मुझे इस तरीके पेस्ट 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 करते रहना पड़ा एंड ये टू मच हैक्टिक वाला काम है तो मैंने क्या सोचा क्यों ना एक ही जगह पे हम इसको चेंज करें एंड हमारा काम मतलब हमने जहाँ जहाँ हमारे फ्रंट एंड में यूज़ किया हर जगह ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाए रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसके लिए गाइस हमको मालूम है हमारे पास क्या रहता है एंड दैट इज योर डॉट ई एन बी इन्वामेंट वेरिएबल तो मैंने एक न्यू बेसिकली अब आपको एक न्यू इन्वामेंट वेरिएबल क्रिएट करना है हमारे क्लाइंट फोल्डर पर एंड वहां जाके सिंपली आप कुछ भी नाम दे दीजिए दिस इज द की एंड देन दिस इज योर वैल्यू एंड कोई डबल कोट सिंगल कोट स्पेस स्पेस कुछ नहीं देना है सिंपल ये जो मैंने यहां पे लिखा है आप बेसिकली आपको ना यहां पे ये नहीं लिखना है फिलहाल अभी के लिए आपको यहां पे सिंपल ये लिखना है अभी अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है इसको लिखना है एंड यहां पे उसको पेस्ट कर देना है इस तरीके से आपको ये इस तरीके से पेस्ट कर देना है बस समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं अब इससे क्या होगा कि आपके इन्वायमेंट वेरिएबल पे आपने बेसिकली आपने फ्रंट एंड पे एक इन्वॉयमेंट वेरिएबल क्रिएट की एंड उसमें आपने ये वाली जो वैल्यू है वो कर दी असाइंड अब जादू देखिए अब जादू ये है कि हमें बस करना यह होगा कि जहां जहां हमने बेसिकली मैं आपको बताता हूँ लॉग इन में हमारे पास ये ए है इफ़ यू रिमेंबर मैंने ये ए के लिए कुछ यहाँ पर इस तरीके से कोड लिखा था मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसमें रिएक्ट वाले पे आ गया एंड यहाँ पे भी अगर मैं देखता हूँ अगेन यहाँ पे आप देख लीजिए दिस टाइम सेम है बट इंस्टेड ऑफ़ रजिस्ट्रेशन मैं अब लॉगिन वाले को कॉल कर रहा हूँ तो आपने देखा कि गाइस एक यू मुझे कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ रहा था तो उसी के लिए ही मैंने आपको बताया कि गाइस अब हम क्या करेंगे मैंने आपको बताया आपको फ्रंट एंड में सिंपल एक डॉट ई फाइल क्रिएट करना है ठीक है उस पर आपको ये वैल्यू डाल दीजिए फिलहाल आपको ये नहीं डालना है आपको ये वाली वैल्यू ऐड करनी होगी लोकलूस्ट कॉलन फाइव थाउजेंड और ए नहीं करना है बस इतना ही करना है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ एंड अब इससे होगा ये मैं आपको बताता हूँ अब क्या करना है अब आपको देखिए फिर से अब आपको चलना है आपके स्टोर मेन आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे क्योंकि ये हमारा एक ग्लोबल स्टोर है एंड वहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ऐड करते हो तो देन उसको आप कहीं पे भी बेसिकली यूज़ कर सकते हो तो मैंने सोचा लेट्स क्रिएट वन वेरिएबल विथ डेट वैल्यू ठीक है वो जो भी वैल्यू उसके साथ तो मैंने देखो क्या किया यहाँ पर पहले ये था मैंने हटाया दूसरा ये था मैंने इसको भी हटाया क्योंकि जब मैं होस्ट कर रहा था मुझे ये वाला एपीआई लगा बट फिर मुझे रियलाइज ना कि मुझे ये तो हर जगह चेंज करना पड़ेगा तो मैंने जाके गाइस आपको भी वही करना है आपको बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट करना है एंड बाय द वे अगर आप वीट यूज़ करो एंड ऑब्वियसली रिएक्ट वालों ने कहा आपको वीट ही यूज़ करना पड़ेगा एल्सम नॉर्मली uh, कैसे करते थे डॉट ई एन बी है यहाँ पर ठीक है एंड uh, आप कह सकते हो या पासवर्ड मॉडल यूजर मॉडल परफेक्ट तो आप ध्यान से देखना यूजर मॉडल पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा एंड दैट इज या दिस वन सी प्रोसेस डॉट टी एन बी डॉट आप समझ रहे हो क्या है ये ये आपका एक इन्वॉमेंट वेरिएबल है एंड नॉर्मली हम उसको कैसे गेट करते हैं प्रोसेस डॉट टी एन बी डॉट जे जो भी है तो बेसिकली फील्ड का नाम है बेसिकली की का नाम है बट जब आप गाइस काम कर रहे हो इन वेट तो मैं आपको बताता हूँ तब इस तरीके से नहीं करना है तब आपको लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट ई एन बी एंड देन ये रहा आपका क्या आपका बेसिकली वो की का नाम जो आपने अभी जस्ट क्रिएट किया था तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा अगर आप जो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले दिखाया आपको इस तरीके तो से प्रोसेस डॉट ई एन बी तो क्या वो काम नहीं करने वाला है समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट ई एन बी एंड ये लाइन आपको ऐड करना पड़ेगा अब आपने इस लाइन को कहाँ ऐड की हमारा मेन ऑथ डॉट जे सिक्स बेसिकली हमारी स्टोर पे अब इस ए पी आई को आपको कॉपी करना है ठीक है जहां जहां आपको लगे है ना बस मैंने उसको देखो टेम्परेट लिटल्स में कन्वर्ट कर दी या स्टिंग लिटरल्स भी आप कह सकते हो मैंने बस उसके बदले ए पी आई यहाँ पर ऐड कर दिया और कहीं है इसका यहाँ पे ऐड कर दिया ठीक है एंड एट द एंड में इस ए पी आई को मुझे बाकी जगह भी तो लगेंगे ना मेरे लॉग इन पेज पे मेरे रजिस्ट्रेशन पेज पे मेरे सर्विसेज वाले पेज पे या जहाँ भी वो कॉन्टैक्सट इवन कॉन्टैक्ट पेज पे भी तो मैंने उसको वैल्यू में ए पी आई इस तरीके से पास कर दी अब ध्यान से देखना अब मैं लॉगिन पेज पर चलूँगा अब मैंने क्या की मैंने देखो यूज़ ऑथ को मैंने इम्पोर्ट की यूज ऑथ की मदद मतलब से वो जो ए पी आई अभी जस्ट मैंने क्रिएट किया था जिस पर मेरा वो आ, आपको मालूम है क्या है हमारा लोकल होस्ट वाला जो फाइल है बेसिकली रूट सिंपल सा वो मैंने गेट की एंड यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये जो लाइन है कैसे आया मैं बताता हूँ ध्यान से देखना सो हेयर वी हैव दिस पार्ट पहले ये था है ना एंड अभी ये है तो पहले क्या था रूट हमारा कुछ वो था इस तरीके से कुछ था इस तरीके से है ना अब ये जो रूट है हर जगह मुझे चेंज करना पड़ रहा था जैसे कि आपको मालूम तो ही है यहाँ एक सेकेंड नॉट ओवर हियर हर जगह तो वही था राइट इसको मुझे कम करना है है ना तो हमने क्या किया विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट लिट्रल्स इसको तो मैंने एक अलग ही जगह पे कर दी क्या स्टोर है ना इसको हटा के मैंने एक ए पी आई नामक बेसिकली ए पी आई नाम जो भी है वहाँ पे स्टोर कर दी तो इसके बदले अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ ए पी आई है ना बेसिकली कैप्स में है वो तो ए पी आई तो मैं अब क्या करूँगा इसको मुझे इसके साथ ज्वाइन करना है तो हम बहुत या तो कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो तो बट वो कोई नहीं करता आज के टाइम में हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट लिटरल्स जहाँ पे डॉलर कली ब्रेसेस आपका ए पी आई आ गया एंड ये जो बाकी बचा ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आ गया तो ये लिखना और ये जो पार्ट है इसको हटा के इसको लिखना आर बोथ सेम तो अब आप खुद देख सकते हो गाइस हमारे लिए कितना ईजी एक तो लाइन भी कम वर्ड्स कम हो गए राइट एंड ऊपर से आप मुझे कुछ नहीं करना है बस जहाँ जहाँ हमारा यू आर था वहाँ जाके इस तरीके से आपको चेंज करना है ये मैंने की लॉग इन में देन मैंने इसको किया रजिस्ट्रेशन में जाके चेंज किया इस तरीके से आप देख सकते हो इसको गाइस आई थिंक कॉन्टैक्ट में भी देखो कॉन्टैक्ट uh, में भी है क्या कहीं या सी कॉन्टैक्ट में भी जाके मैंने चेंज किया हुआ है उसको इवन यहाँ पर भी होगा क्या कहीं नहीं तो आप समझ रहे हो मतलब जहां जहां होगा अब बस आपको उसको इससे चेंज करना है अभी फर्स्ट टाइम तो मेहनत है क्योंकि जगह जगह जाके आपको ये चेंज करना ही पड़ेगा इस तरीके से लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर, अगर मैंने जैसे कहा ना जब हम अब इसको लाइव होस्ट करेंगे नेटवर्क मैं एक और बार इसको रिफ्रेश करता हूँ हेयर वी हैव अ यूजर एंड दिस इज़ माई एक्चुअल रिक्वेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो तो इसको मैं कॉपी करूँगा समझ रहे हो यहाँ पे आऊँगा अब देखो पहले जो ये लोकल होस्ट था अब वो लोकल होश नहीं अब मुझे ये कुछ इस तरीके से चाहिए देखो ये पार्ट एंड ये वाला पार्ट आर सेम बट इतना जो पार्ट है वो तो चेंज हो गया राइट तो वापस मुझे हर जगह जाके इसको चेंज करना पड़ता बट दिस टाइम वंस हम हमने थोड़ी मेहनत पहले कर ली थी अब मुझे कुछ नहीं करना होगा कल के दिन इसके बदले अब मुझे इसको ऐड करना होगा तो इसको कॉपी सिंपली ई एन बी सर्वर पर चलना है एंड यहाँ पे उसको चेंज करके इस तरीके से पेस्ट कर देना है एंड वंस इतना चेंजेस आप कर देते हो यू आर गुड टू गो एंड फिर गाइस अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं दिखाऊंगा ये हमारा जो ऑसम वेबसाइट था इसको आप कैसे लाइव होस्ट कर सकते हो एंड फ्री में एस सर्टिफिकेट कैसे ऐड कर सकते एक पेड़ हो एक पेड होगा एंड देन दूसरा होगा फ्री में अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपने फेस की है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे जिस वीडियो में प्रॉब्लम लगता है जैसे मैंने आपको दिखाया ना सर्विसेज में मुझे प्रॉब्लम लगा मैंने यहाँ पे उसको अपडेट कर दी इवन मैंने सॉरी वी गाइस भी लिखा है तो उसी तरीके से जिस जिस वीडियो में जो प्रॉब्लम अगर होगी तो मैं वहाँ पे बेझिझक जाके ऐड कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एंड जो दूसरे जो बाकी लोग देखेंगे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो एंड है ना तो इस तरीके से आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो हमारे दिस वर्ल्ड बेस्ट मंथ सीरीज़ में एंड जाप कोर्स तो आने वाला एंड आई होप आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे सो या गया दिस इज इट आज इस वीडियो के इतने आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आओगे थोड़ी लंबी चली गई बहुत मैंने बग बग किया बट जरूरी भी था वो है ना तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा एंड नेक्स्ट आगे इट इज़ वन मिलियन सब्सक्राइबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा मिलता हूँ मैं आपको कल के वीडियो में टिल दिन गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर